मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर हो रही है। सर हो रही है। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने कुछ पहले थोड़ा बहुत स्टडी की है, इसको नहीं करते कि नहीं, या स्टार्ट से लेक्चर लेना पड़ेगा? सर थोड़ा सा पढ़ा था स्टार्ट से, अगेन क्या पढ़ा था सर? सर हमने एरर एनालिसिस पढ़ा था, उसके बाद इंटरपोलेशन पढ़ा था, एक्सट्रापोलेशन पढ़ा था। वो कहाँ से पढ़ लिया इतनी जल्दी सब कुछ? बड़े बड़े चैप्टर सर आपने बताया था। ठीक है, आईडिया बताया था। ओके जी, तो मैंने ये भी बताया था कि मैकल में क्या चीज होती है। नुमान उसामा मोबाइल ऑफ कर। नुमान साइलेंट पे करो बेटा मोबाइल। साइलेंट पे करो। न्यूमेरिकल में जो अब होता क्या है कि जो हमारा टारगेट होता है, अगर कोई तो अगर कोई चीज़ आप टारगेट पे ना हिट कर सकें तो हम फिर अप्रोक्सीमेशन का सहारा लें। ठीक है, अब जैसे देखें कि अगर आप सोचते हैं, जैसा बॉयज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो बाइक चला रहे हो, बॉयज़ की बात कर रहे हो, अगर वो बाइक या गाड़ी वगैरह कोई चला रहे हो तो जब वो ओवरटेक करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेशन बनाते हैं, या एस्टिमेशन करते हैं, तो एस्टिमेशन के बाइस वो ओवरटेक करते हैं। जो उन्होंने आइडिया लगाना होता है कि वो अगली जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है, मेरी स्पीड कितनी है, मैं किस तरीके से उसको क्रॉस करूँगा। ठीक है, तो दैट वन इज कॉल्ड दी अप्रोक्सीमेशन। इसी तरीके से देखें, जब आप कोई शूटिंग जब होती है, ठीक है, कोई फायरिंग शूट है या कोई भी आप एरो शूटिंग कह लें, तो वहाँ पे देखें जब आप एरो या गन से कोई शूट करते हैं, ये आपका टारगेट कोई बना हुआ है, ठीक है, तो ये आपने अगर हिट इस जगह पे करना होता है तो अगर आप हिट करते हैं तो वो एग्जैक्ट पे लगना तो चाहिए, मगर बाद दफा ये होता है कि वो एक्चुअल जगह पे हिट नहीं करता, वो यहाँ पे भी हिट कर लेता है, यहाँ पे हिट कर लेता है, यहाँ पे हिट कर जाता है। तो ऑल दीज आर अप्रोक्सीमेशन, इसको हम क्या कहते हैं कि आप कोशिश आपने करनी होती है एक्चुअल की तरह, मगर वो क्या है, हिट यहाँ पे नहीं करता, वो आगे पीछे हिट कर जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल एक्चुअल को हिट करती है। तो ये जो टारगेट होता है, ये आपका क्या है, टारगेट जो है वो आपकी एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल आंसर। ठीक है, ये जो आपकी पोजीशन है, टारगेट है, ये आपका क्या है, एक्चुअल या एग्जैक्ट आंसर। और ये जो आप हिट कर रहे हैं, कोई यहाँ पे निशाना लग रहा है, कोई यहाँ पे निशाना लगता है, कोई यहाँ पे निशाना लगता है, तो ये सारे के अप्रोक्सीमेशन हैं या आपकी कोशिश है कि आप एक्चुअल टारगेट को हासिल करने के लिए आपकी एक कोशिश है। इस कोशिश को हम क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब ये जो हिट कर रहे हैं ये कोई और स्टूडेंट कर रहा है, ये जो हिट किया ये किसी और स्टूडेंट ने किया है, ये जो हिट किया ये किसी और स्टूडेंट किया है। टारगेट देखें, टारगेट एक ही, मगर जो स्टूडेंट्स हिट कर रहे हैं वो डिफरेंट। तो ये सारे क्या हैं, जो डिफरेंट जो शूटर्स हैं इनको हम कहते हैं ये मेथड्स हैं, वो मेथड्स हैं जो कि एक्चुअल टारगेट अचीव करने की कोशिश कर। अब इन मेथड्स, वो जो शूटर्स हैं जिसको मैंने मेथड का नाम दे दिया, तो उन मेथड्स में से कौन सा वाला अच्छा वाला होगा, जो एक्चुअल से ज़्यादा नज़दीक हिट करे, तो वो ज़्यादा बेस्ट मेथड। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन में होता है कि हम एक्चुअल की तरफ कोशिश करते हैं, एक्चुअल हमें मिलता तो नहीं है, मगर हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, फिर हम अप्रोक्सीमेशन मैयर करते हैं कि इसका यहाँ से लेकर इसका यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, फिर इस टारगेट जो इसने हिट किया है उसका इसके एक्चुअल के दरमियान कितना डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे इसका इसके साथ कितना डिस्टेंस है, तो ये फिर हम बाद में स्टडी करते हैं। पहले हम अप्रोक्सीमेशन को स्टडी करते हैं कि अप्रोक्सीमेशन जो एक्चुअल से कितने डिफरेंस है, फिर हम ये जो डिफरेंस आता है जिसको हम क्या कहते हैं, एरर करते हैं, इसको हम फिर डिस्कस करते हैं बाद। ओके, अब चूंकि हमने, जैसे कि ये बहुत हाई लेवल पे इसको डिस्कस किया जाता है,
मगर फिलहाल क्योंकि आपका तो लर्निंग स्टेज है, तो हम लर्निंग स्टेज में क्या करते हैं कि हमने कैलकुलस में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं कैलकुलस में, उसके अंदर हम फिर न्यूमेरिकली स्टडी करते हैं। तो याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करते हैं या लीनियर अलजेब्रा स्टडी करते हैं, जो भी चीज़ स्टडी करते हैं, इवन के स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं, जो भी करते हैं, इसके अंदर टू एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो हमारे पास ये है कि हमें एक्चुअल आंसर मिल जाए, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या मिल जाए, एक्चुअल आंसर मिल जाए। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हमें एक्चुअल आंसर ना मिल सके, तो फिर हम न्यूमेरिकल आंसर की कोशिश करें, क्योंकि हम अपनी रिसर्च को नहीं स्टॉप कर सकते। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो आ जाए, एक्चुअल आ जाए, और अगर एक्चुअल नहीं आता तो कम अज़ कम कोई ना कोई भी हम टेक्निक लगा के उसका न्यूमेरिकल आंसर निकाल। याद रखिएगा, अभी मैंने बताया कि जो एक्चुअल है वो फिक्स होता है, जो न्यूमेरिकल होता है वो आगे पीछे इसके करीब करीब जो निशाने लगते हैं ये अप्रोक्सीमेशन है या एस्टिमेशन है जिसको हम फाइंड आउट करें। तो अभी तक जो हमने कैलकुलस में पढ़ा है, तो वो क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं कैलकुलस में? कैलकुलस में एक पढ़ी होगी आप लोगों ने वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है? एक आपने क्या पढ़ी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन में क्या होता है कि आपको जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या मैं अभी फंक्शन ले लेता हूँ दैट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आपको मैं कहता हूँ कि एक टेबल बनाए, ये x है ये y है, ये कैलकुलस की अभी मैं बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा। कि कैलकुलस में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम न्यूमेरिकली फिर कैसे डिस्कस करें। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कैलकुलस में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, आपको कहता है कि टेबल बनाएं जिसमें x की वैल्यू आप ले लें 4, b ले लें 2 ले लें, 1 ले लें और 0 और एक माइनस वन, ठीक है? वो आपको कहता है कि ये टेबल बनाएं, ये आपको फंक्शन दे दिया गया है, तो अब कैसे बनेगा? वो यहाँ पे पुट करते हैं, ये आपका 15 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये कैलकुलस की बात है कि आपको फंक्शन दे दिया गया और आपने क्या बनाया, टेबल बनाया, ठीक है? अब अगर मैं इसी को रिवर्स कर और इसमें एक और बात भी देखें, अगर वो कह देता है कि आप f ऑफ 2.5 निकालें, तो वो जाहिर बात है फिर इस जगह पे आएगा 2 और 3 के दरमियान में, इस जगह पे कहीं पे 2.5 होगा, क्योंकि 2 से आगे क्या है 2.1, 2.2, 2.3 से लेकर 2.9 तक है। तो यहाँ पे अगर वो कहता है कि f ऑफ 2.5 निकालें, तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2.5 पुट करेंगे तो वो वैल्यू जो है हमारे पास इजी भी आ सकती है, ठीक है? अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आता है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, जाने के बाद तो मैं ये कह देता हूँ ये सारी चीज़ आप भूल जाए। अब आपको वो ये कहता है कि अगर फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, ये 0 है, ये माइनस वन है, जिसमें वो डाटा उसे दे दिया है 8 3 0 माइनस वन और 0। अब याद रखिएगा, अब आपको फंक्शन गिवन नहीं है, यू आर नॉट गिवन दिस फंक्शन। पहले कैलकुलस में क्या था, फंक्शन दिया था, आपने टेबल बना दिया, अब रिवर्स कर देते हैं। अब रिवर्स में क्या किया है कि आपको टेबल बना दिया, ठीक है? अब अगर आपको वो कहता है कि y की वैल्यू निकालें 1.5 पे, अगर आपको वो कहता है कि y की वैल्यू 1.5 पे निकालें, तो ये अब आपके लिए निकालना मुश्किल है, क्योंकि अब आपको फंक्शन नहीं दिया। यहाँ पे क्या था, फंक्शन दिया जाता था तो टेबल बनाना आसान है। अब रिवर्स में अगर वो ये कह देता है कि आपको ये टेबल दे देता हूँ, अब इसकी मदद से आप वाई 1.5 निकालें, तो ये अब आप नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से अगर वो कह देता है वाई ऑफ माइनस 7 निकालें, यानी कि एक्स अगर माइनस 7 है, वाई की वैल्यू निकालें, तो ये आपके लिए निकालना मुश्किल है, ठीक है? तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर अंदाजे लगाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। और अप्रोक्सीमेशन का दूसरा नाम क्या है, न्यूमेरिकल, यानी कि हम इसको फिर न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल के यूज करेंगे। तो कैलकुलस में ये हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें हम वैल्यू ऑफ दी फंक्शन निकालते हैं, ठीक है? दूसरा हमने जो कैलकुलस में पढ़ा, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, हाँ जी तमाम लोग सुन लें, एनी वन आंसर, कोई जवाब दे मुझे। यस सर। अच्छा यस सर, यस सर। अच्छा अभी यस सर, अभी ये है कि ये कल अभी मीटिंग अब काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो ये 9:30 थी, 9:45 पे ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 45 मिनट्स की मीटिंग होती है। उसके बाद मैंने दूसरा लिंक जो है इससे नेक्स्ट मीटिंग जो होगी
वो 9 से 9:45 वो मैंने लिंक सेंड कर दी है, ठीक है। तो वो मैंने लिंक सियाल को भेज दिया, वो सियाल से कह देता हूँ मैं, सियाल सुन रहे हैं यहाँ पे कोई? सियाल है तो वो आप बेटा जो मैंने आप लोगों को लिंक सेंड किए ना तो वो आप अपने ग्रुप में शेयर कर, ठीक है। और ग्रुप के अंदर मुझे भी एडमिन बना दें ताकि मैं वहाँ पे डायरेक्ट आपको सेंड कर दूँ, वहाँ पे एडमिन में जो लोग भी हैं ठीक है वो मुझे चेंज करके उसमें कर, ठीक है बेटा। तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये मीटिंग अगर खत्म हो जाती है तो फिर आप कैंडी जो उसके चले, ठीक है। मगर 9 o'clock का टाइम है उसका, 15 मिनट के अंदर 1 मिनट। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन में देखा कि न्यूमेरिकल को हमने कैसे सॉल्व करना है, कि कैसे होगा, कि कैलकुलस में क्या होता था, फंक्शन दिया जाता था, आप डाटा बनाते थे। अब क्या, ये आपको टेबल दिया जाएगा, अब आपने टेबल की मदद से वैल्यूज निकालनी है, फंक्शन की मदद से नहीं, क्योंकि अब आपको फंक्शन ही दिया हो। अगर फंक्शन दिया जाए तो फिर वैल्यू निकालना आसान होती है। अब न्यूमेरिकल में क्या होता है, अंदाजे लगाने हैं, अप्रोक्सीमेशन करना है, तो आपको डाटा दिया गया, आपने इस डाटा की मदद से अब आपने अप्रोक्सीमेट करना है। अब डाटा में जाहिर है 1.5 यहाँ पे कहीं पे आता है, मगर हमारे पास फंक्शन तो नहीं है कि हम कैसे वैल्यू निकालें, तो ये चीज़ हमारी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल है, ठीक है। फिलहाल न्यूमेरिकल आपका कैलकुलस में मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हमने कैलकुलस में एक पढ़ा होगा कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन में देखें कि ये मैं साइड पे बता देता हूँ, जैसे मैंने वैल्यू का बताया, इसी तरीके से आप देखें, अगर आपको कहता है कि ये इक्वेशन है आपके पास 3x-5=0, ये अब मैं कैलकुलस की बात कर रहा हूँ, आपको मैं कहता हूँ कि इसको सॉल्व करें, तो आप इजीली x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 5/3 निकाल लेंगे, ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ x-x-6=0, आप इसको सॉल्व करें, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला या कोई भी फार्मूला लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सारा आपके, मगर यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट मेथड से आंसर निकालना मुश्किल हो जाए, जहाँ पर एग्जैक्ट मेथड से आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे हम न्यूमेरिकल मेथड यूज करें। अब जैसे अगर आपको वो ये कह दे sin(x-e)(2x)=10, अब वो अगर आपको कह दे कि x की वैल्यू निकाल लें, तो अब आपके लिए निकालना क्या है, ये मुश्किल, ठीक है। जैसे तरीके से वो कह दे log(10x+e)(3x)=x कह लें, तो इसका इसको सॉल्व करें, तो अब इसको सॉल्व करना आपके लिए क्या है, मुश्किल। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फिर न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करें, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया, सोल्यूशन और इक्वेशन, कि कोई भी आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी आपके पास इक्वेशन है, तो हम इसको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, कहाँ पर सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमारे लिए एक्चुअल मेथड से जो हमने मेथड्स पढ़े हुए हैं उससे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करें, ठीक हो गया। उसके बाद और हमने क्या पढ़ा हुआ है, एफएससी में भी पढ़ा है, मैथिक में भी पढ़ा है, कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, कि आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन होती हैं, ये भी जो ये वाला काम था ये एक इक्वेशन का था, अब एक से ज़्यादा भी पढ़ी हुई है, जैसे 2x-3=10, 3y=10, x+y=7। अब ये क्या चीज़ है, सिस्टम है, इस सिस्टम को आपने क्रामर रूल से भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन आ जाती है। ये जो केस है ये सिंगल इक्वेशन है, ये कौन से, एक से ज़्यादा वाला। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा हो जाए तो वो सिस्टम बनाता है, और सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रामर से भी कर सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। और जहाँ पे हम इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, जैसे वो आपको कह दे कि √x+5y=7 और √y-3x/3/2=8, इसको सॉल्व करो, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्रामर रूल लगाना या गॉस एलिमिनेशन लगाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम एक्चुअल मेथड से सॉल्व ना कर सकें, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करें, ठीक है। और हम फिलहाल उसी यूज करेंगे जो हमने कैलकुलस में पढ़ा है, बस उसी का रिवर्स करते हैं। कैलकुलस में वैल्यू ऑफ द फंक्शन में क्या होगा, दोबारा बता रहा हूँ, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कि आपको डाटा दे दिया जाएगा, फंक्शन नहीं दिया होगा, डाटा दिया जाएगा, डाटा की मदद से आपने किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को निकालना, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपको फंक्शन दिया हुआ नहीं। दूसरा क्या है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कि आपको कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, सिंगल इक्वेशन, तो वो तो एग्जैक्ट सॉल्व हो जाती है, वो तो एक अलग केस है,
मगर हमने कोई स्पेशल नहीं जो एग्जैक्ट मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगी, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल मेथड से। तीसरा क्या है कि आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ रहे हैं, जो सिंगल है सिस्टम ऑफ इक्वेशन आसान है, वो तो हम क्रामर से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा में आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो उनसे हम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मगर जहाँ पे ये सॉल्व नहीं कर सकेंगे वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल मेथड से। ठीक हो गया। उसके बाद है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बाद डेरिवेटिव। तो जहाँ पे हम डेरिवेटिव आसानी से ले सकते हैं वहाँ पे तो हम एग्जैक्ट मेथड वाले जो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हम वो यूज कर देंगे, तो जहाँ पे नहीं लगा सकेंगे वहाँ पे हम फिर न्यूमेरिकल मेथड की यूज करेंगे। उसके अलावा इंटीग्रल इंटीग्रेशन है, तो जहाँ पे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे तो कर लेंगे, जहाँ पे नहीं कर सकेंगे तो वहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। जैसे देखें e की पावर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर एक्स आ जाएगा। मगर जहाँ पे ये आ जाए e की पावर एक्स स्क्वायर तो इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते, जो आप लोगों ने मेथड्स पढ़े हैं उससे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व। ठीक, तो यही हमारा टॉपिक्स हैं सारे जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने पढ़ने हैं, कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालें, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे निकालें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे निकालें, डेरिवेटिव जहाँ पे हम एग्जैक्ट मेथड जो हमने मेथड पढ़े उससे ना सॉल्व कर सकते हम उसको कैसे यूज करें, इंटीग्रेशन में कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें फिर हमने इसके अंदर स्टडी करनी है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल मेथड का फिलहाल कोर्स होगा। तो अभी तो ये पहली क्लास खत्म हो गई है, तो दूसरी क्लास का जो टाइम है वो 9 बजे का है, जहाँ तक अगर कोई किसी को इशू है तो वो डिस्कस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनसे डिस्कस करें, एनी प्रॉब्लम। अभी मैंने सिर्फ ब्रीफ किया न्यूमेरिकल मेथड। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी का भी, एनी प्रॉब्लम, अपने माइक ऑन करके डिस्कस कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। नो इश्यूज सर, ये एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये पेज मतलब पूरा स्क्रीन पे रखें तो हम स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अच्छा, स्क्रीनशॉट पे आ गए, देख लें, चेक कर लें। और दूसरा ये रिकॉर्डिंग होगी, मैं बाद में आपको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा ना, तो आप ठीक है सर, ठीक है, आप दोबारा देख सकते हैं। और एक काम, ठीक हो गया, थैंक यू सर। एक काम आप लोग सब लोग ये कीजिएगा कि पेन और पेंसिल साथ रखा है, पेन और पेज ना वो साथ रखा है, ताकि बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करना चाहे तो वो नोट करें। ठीक है, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग फ्री है, और जो आपका ग्रुप बना हुआ मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, और ये जो शेयर मैं करूँगा वो सिर्फ 2 डेज के लिए करूँगा, वहाँ पे परमानेंटली मैं नहीं रखूँगा वहाँ पे, ये याद रखिएगा तमाम लोग जो सुन रहे हैं। तो जल्दी से जरा एक काम तो ये करें कि जो चैट रूम है वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगा दें, और दूसरा ये करें कि जो आपका न्यूमेरिकल का ग्रुप बना हुआ है, कंबाइंड जो ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो ओनली फॉर 2 डेज। ये कह लेते हैं जब तक मेरा नेक्स्ट लेक्चर नहीं होगा उस वक्त तक वो वहाँ पे पढ़ा जाएगा, नहीं तो वहाँ से फिर रिमूव कर। ठीक है बेटा, ठीक हो गया सर। और कोई प्रॉब्लम, ठीक हो गया, थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम बेटा, एनी प्रॉब्लम? क्योंकि सर इवनिंग वाले मैक्सिमम ग्रुप में भी यही बात चल रही थी, उनके जो है ना ऑफिस टाइम होता है तो उनको बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इवनिंग के मेरे ख्याल में सिर्फ 2 लड़के आ चुके हैं। हमने सिर्फ सैटरडे संडे इसीलिए रखा था कि इवनिंग वालों को जो ऑफ होगा तो उसको हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, ये उसकी वजह से रखा था। और दूसरा ये भी है कि हमने मैंने जो ये लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो रिकॉर्ड वहाँ पे पड़ा होगा, तो वहाँ से जो इशू नहीं है रिकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। ठीक है, मेन मसला तो लेक्चर वो आप रिकॉर्डिंग देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, और सर दूसरी बात ये है कि मिड से पहले हमने कितने लेक्चर मतलब हो जाने हैं, क्योंकि 20 से मेरे ख्याल में स्टार्ट हो रहा है सर। जी, तो मिड से हम जितना पहले पढ़ेंगे वो सारे शामिल हो जाएंगे, एक दो हम मेकअप क्लासेस रख लेंगे। ठीक है, तो जितना हम पढ़ेंगे उसी में से। ठीक है,